बियर्ड शेपिंग होता है, जैसे लेजर से? यस मेरे पास एक मेल पेशेंट है, जैसे अभी कोविड के बाद से बहुत बियर्ड रखने की आदत हो गई, क्योंकि मास्क में दिखाई नहीं देता था, तो लोग शेव नहीं करना चाहते, और वो भी ट्रेंड हो गया है बियर्ड रखना। तो एक पेशेंट है मेरे पास, उसका मैं यहाँ का कर रही हूँ, मतलब इतना उसको बस इधर। चाहिए था, उसको जितना चाहिए हम उतना रखेंगे, और जितने में उसको हेयर ग्रोथ आती है उतने में हम लेजर करते हैं, तो उतने पोर्शन में उसको बाल नहीं आएंगे एक पर्टिकुलर तो टाइम। शेप में बढ़ेगी ऐसा हाँ, वो उसका। जो भी बियर्ड उसकी बढ़ेगी तो वो उसी लाइन में बढ़ेगी। तो ग्रेट। बियर्ड शेपिंग भी होता है, आईब्रो शेपिंग भी होता है उसमें। All right, hi and welcome to Grow Medico podcast. My name is Saurabh and today we are having an amazing guest in our Grow Medico podcast. She has a amazing clinic in the heart of the city. Clinic का नाम भी क्यूटेस्ट है, बड़ा ही हाँ, जो कि लोगों को और क्यूट बनाता है. Exactly. Please welcome Dr. Isha. दिवाली में लोग और खूबसूरत बनाने के लिए काफी कुछ चीजें ट्राई कर रहे होंगे, राइट? यस, अभी पोस्ट कोविड एवरीथिंग हैज बीन ओपन एंड सब जोरों शोरों में है, तो देखिए डॉक्टर्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट का क्या रिस्पॉन्स है, होपफुली अच्छा ही होना चाहिए। मैम, अभी आज की डेट में एवरीवन इज इनटू सोशल मीडिया, एवरीवन इज इनटू गेटिंग दैट फ्लॉलेस इंस्टा सेवी स्किन. यू नो, अगर आपको एकदम टिपिकल सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बताऊं तो इफ समवन वांट्स हिज और हर स्किन टू लुक फ्लॉलेस, देन क्या वो सीक्रेट है उसके बिहाइंड? उनको वो स्किन अचीव करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा? देखो, फ्लॉलेस इज लाइक इट इज अ क्लियर स्किन, लाइक व्हाट वी से फ्लॉलेस मीन्स अ क्लियर स्किन। सो द बेसिक सीक्रेट इज, अकॉर्डिंग टू मी, यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज सच अ थिंग दैट वॉशेज आउट योर ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, एंड डेफिनेटली योर होल डे रूटीन, लाइक nowadays stress is the biggest factor which is in everybody's life, so it may be any kind of stress, like बोलने के लिए होता है कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट समवेयर इन द सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो भी, रात में सोने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में देर इज समथिंग गोइंग ऑन कि ये करना है या अपना कुछ प्लान्स है या एनीथिंग। सो फ्लॉलेस स्किन के लिए सबसे पहले तो वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, विच आई रिकमेंड दैट इज एटलीस्ट 4 to 5 liters पर डे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, विंटर समर और रेनी। डेफिनेटली समर्स में यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, तो इवन द वाटर इंटेक इज मोर, इट डजेंट मैटर, एंड योर डेली रूटीन ऑल्सो मैटर्स, लाइक हाउ डू यू केयर फॉर योर स्किन, लाइक इफ यू आर गोइंग आउट, यूज ऑफ प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स विथ सनस्क्रीन और क्लिंजर्स, वॉट फेस वॉश यू आर यूजिंग, एंड नाउडेज देर आर मैनी टेक्नोलॉजीज, हायर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल विच कैन गिव यू ग्लोइंग स्किन। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन, अगर इफ समवन वांट्स टू अडैप्ट, देन व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे? सी द अच्छा स्किन केयर रूटीन इज लाइक एटलीस्ट यू नीड अ 6 hours स्लीप एटलीस्ट, तो 8 hours रिकमेंडेड है, बट अपना बिजी शेड्यूल देख के वी नीड एटलीस्ट 6 hours स्लीप। उसके बाद अपने को डेली क्लिंजर या फेस वॉश, व्हाट विच एवर इज सुटेबल फॉर यू नाउडेज, नाउडेज देर इज अ मोर ट्रेंड ऑफ क्लिंजर्स, सो क्लिंजिंग योर फेस विद अ क्लिंजर, विच एवर, लाइक कंसल्टिंग योर डर्माटोलॉजिस्ट, यू कैन स्टार्ट विद अ प्रॉपर क्लिंजर विच विल सूट योर स्किन, देन इफ यू आर गोइंग आउट, योर जॉब इज आउटडोर जॉब, अ प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यू हैव टू यूज, अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स, इट इज नॉट जस्ट हैविंग योर डेली मील्स, बट इट इज लाइक हैविंग ऑल द सैलड्स एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग विच इंक्लूड्स इन योर डाइट, अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, which I will say. So, ma'am, there's a lot of interest on like treatments like aging, anti-aging treatments and all that stuff. So people want to look beautiful. They follow the diet, but they want some kind of new technologies
to just make their skin on like top notch list, like they want to look like a celebrity. So what kind of technologies that will help them to get that particular skin? See, we are like, if any patient comes to me, we start from basic treatment. Like if you want really a flawless skin, then we start from basic treatment, which we call as chemical peels. Chemical peels are like, they are fruit-derived acids, which are in proper pH balanced. They are fusion peels. Like there are many, like citrus fruits, we get salicylic acid from that, mandelic acid, lactic acid, glycolic acid. These are all in proper concentrations, which we use on the face. Then we go for hydrafacials. Hydrafacials are instant glow facials, where we get cleansing, suction and exfoliation of the skin, followed by electroporation. Like these, this hydrafacial is RF mediated. Radio frequency hota hai isme, thoda sa current aata hai, and radio frequency ke through we penetrate the serums of glutathione and vitamin C, which gives a glowing effect on your skin. Then there are many lasers nowadays, which can to some extent decrease your wrinkles to some extent, not the full wrinkles. But if we really want to have a proper without wrinkle face, like what all the actor actresses do, we can go for Botox and fillers, which is the anti-aging treatment. And we need to do it on regular basis, like every 6 months we need to do, so that we get a good proper tightening of the skin and what we say an anti-aging skin. So ma'am, if you see the Indian market, so there's a lot of like craze of getting a fair skin. So everyone wants to look fair, and they do have like multiple kind of, they might be take some multivitamin tablets for that, maybe citric juices or maybe citric tablets for that, also the glutathione. Yes. So yeah, there's a like lot of craze for the glutathione tablets. So is it like I mean, is there any side effect of that, or is it good to get that fair skin? See, nowadays glutathione is really in trend, but what basically glutathione does, that doesn't make you fair. See, even a person with a dark complexion can glow, and a person with a fair complexion can also glow. So what illusion we have that wo gora ho gaya, it is not like that. It is basically a glowing skin which glutathione is giving. Glutathione is nothing, it is a multivitamin which acts in our body and which gives a glowing effect on our skin. So there is no such side effects, but there are many brands available of glutathione, and what I want to say that they are really costly medicines. Like there are even injectable glutathione which we give, and there is no such side effect, but you need to consult your dermatologist for that. That how long do we have to take, how much duration, what is the dose, and it gives a really good effect, and practically there are no side effects, but proper guidance for starting that glutathione is necessary. So with the tablets like glutathione, there's also the over the counter medicines like people use to apply some kind of steroids on face. So is there any case study that you found, okay, these are kind of patients who are using the steroids, applying on their skin from very long duration, and now they came to you and then you see some kind of complications in their skin? I have many patients like this, because normally patients go to the pharmacy and or some local doctor, which we say quacks, and they give some creams, OTC brands, which contains steroids. So steroids, what they really harm the skin. The skin is very thin in that. Like if we use the steroids, the all the face ka veins are prominent. The face starts like erythematous, reddish ho jata hai face. Mm-hmm. And it really affects, and uske baad mein kya hota hai ki what happens after that? Ki, the face becomes very sensitive, and steroids, they cause hypopigmentation. Like they give you a false illusion that you are becoming fairer day by day. But the side effect which that cream is giving you
is really affecting you for a long period of time. Like I have some patients which they have used ki mujhe baju wali ne bataya ki you apply this cream and tumhara ye dark chala jayega. So they go on applying, they go on applying, and finally they land up to a dermatologist saying ki hum pani se bhi chehra dhote hain to hume bahut jalta hai. Are baap re. I have patients which have taken a year to settle down this, because any treatment if I do on that patient, the face has become so sensitive that I just cannot apply even my combination peels which are very mild or any sort of cream. So hame kya karna padta hai, to withdraw that steroid we have to give steroid in a low degree, like thoda sa mild steroid we have to give them, so that because their skin gets used to that type of medicine, and it is very difficult to manage those cases. It is very challenging for a dermatologist because patient ko kuch bhi suit nahi hota hai, and day by day he thinks ki mera, and when we tell them that you have to stop this cream, the rebound effects which are there, they all come back again. Like if he is having acne or if he is having pigmentation, that everything comes again. So it takes time and it is very hazardous. So I will recommend that always consult a dermatologist who will guide you properly. There are many creams available which do not contain steroids, and they also give a glowing effect over a period of time. So it is better to consult a dermatologist before using any brand on your own. Yeah. And what is your take on exactly the fairness cream creams from different brands that people use on daily basis? So what is your take on that? Is it good, or is it a kind of steroid that they are using but they don't aware of it? Yeah, see, there is nothing called as a fairness cream. In what is my perception, that aisa koi cream nahi hai is duniya mein jisse aadmi gora ho, aur aisi koi dawai nahi hai jisse aadmi patla ho. So it is the concept of glowing skin. मतलब अगर कुछ अच्छी कंपनीज इफ दे आर गिविंग एज अ फेयरनेस क्रीम, यू कैन सी कि उसके कंटेंट्स में दे विल नेवर राइट द कंटेंट्स व्हाट दे आर यूजिंग. सो इफ द फेयरनेस और द टोन इज गेटिंग अर्लियर लाइटर, मतलब अगर आपका जो शेड है स्किन का, नॉर्मली अपना इंडियन स्किन जो है वो व्हीटिश में आता है, तो अगर आपका विद इन अ मंथ उस क्रीम को यूज करके आपका एक टोन लाइटर हो रहा है स्किन का, एक शेड अगर इट इज बिकमिंग लाइटर, देन डेफिनेटली देयर इज अ स्टेरॉइड इन दैट, सम अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड व्हिच इज गिविंग यू अ वेरी इमीडिएट इफेक्ट. बट देयर आर आल्सो गुड क्रीम्स व्हिच डू नॉट कंटेन स्टेरॉइड और हाइड्रोक्विनोन व्हिच वी गिव नॉर्मली. यस, डेफिनेटली इफ द पेशेंट इज कमिंग टू मी एंड लाइक इफ देयर इज अ वेडिंग इन अ मंथ और सो एंड ही नीड्स इमीडिएट effects, so we give steroids, but we know that for how much duration do we have to give so that the patient will not have any side effects later on. So these OTC brands, I think they contain steroid to some extent, so it really harms the skin. So it is better ki not to go on these fairness products which are promoting on the YouTube and all, unless and until you are prescribed. Nowadays people are more into getting that clean and clear skin. मतलब सिर्फ face की बात नहीं करते, we talk about the complete body. Earlier even girls, majorly girls used to go for waxing, boys used to go for waxing, some used to go by trimming or shaving. But nowadays people who are into modeling or people who are into nowadays, मतलब कपड़े पहनने का तरीका हर किसी का काफी different हो चुका है, so काफी कुछ body part exposed रहता है, so people try to get rid of hair, right? And their laser hair treatments, you know, come to the part. What is your take on laser hair treatment? Because एक तबका वो भी है जो कि बोलता है कि वो थोड़ा सा डेंजरस लगता है, बाद में हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, यू रियली डोंट नो आफ्टर टाइम स्पैन ऑफ 5 to 10 years वापस से करना पड़ेगा क्या, या फिर कुछ और नई ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, क्या होगा, आपका क्या कहना है? पहले तो लेजर हेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल भी
हार्मफुल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत एडवांस लेजर्स आ गए हैं। मेरे पास भी अच्छा एडवांस लेजर है, डायोड लेजर बोलते हैं हम बेसिकली उसको, जो हेयर रिडक्शन करता है। इसमें कोई भी जो हेयर रिडक्शन होता हेयर रिमूव नहीं होता है। तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो कि हेयर का ग्रोथ हम रिटार्ड करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेयर ग्रोथ कम हो जाता है और एक टाइम के बाद हेयर ग्रोथ नहीं होता है। सो इट इज अ लेजर हेयर रिडक्शन। और इसमें कुछ मिथ्स है लोगों को कि पहले लेजर्स जो थे, जो यूज होते थे, उसमें आफ्टर लेजर्स इचिंग, बर्निंग या फिर पिगमेंटेशन बढ़ जाता था, सिटिंग्स बहुत ज्यादा लगते थे। बट अभी ऐसा नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी एडवांस एंड दिस लेजर हेयर रिडक्शन इज यू कैन डू ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट फ्रॉम फेस अप टू द टो। इट कैन बी डन इन फीमेल्स ऑल्सो, इट कैन बी डन इन मेल्स ऑल्सो। मेल्स में जैसे चेस्ट पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, बियर्ड शेपिंग होता है, बियर्ड शेपिंग करते हैं हम। जैसे लेजर से मेरे पास एक मेल पेशेंट है, जैसे अभी कोविड के बाद से बहुत बियर्ड रखने की आदत हो गई, क्योंकि मास्क में दिखाई नहीं देता था, तो लोग शेव नहीं करना चाहते और वो भी ट्रेंड हो गया है बियर्ड रखना। तो एक पेशेंट है मेरे पास, उसका मैं यहाँ का कर रही हूँ, मतलब इतना बस उसको इधर चाहिए था, उसको जितना चाहिए हम उतना रखेंगे, और जितने में उसको हेयर ग्रोथ आती है उतने में हम लेजर करते हैं, तो उतने पोर्शन में उसको बाल नहीं आएंगे एक पर्टिकुलर तो टाइम। शेप में ही बढ़ेगी ऐसा हाँ, उसका वो कहना। जो भी बियर्ड उसकी बढ़ेगी तो वो उसी लाइन में बढ़ेगी। तो ग्रेट। बियर्ड शेपिंग भी होता है, आईब्रो शेपिंग भी होता है, उसमें आईब्रोज एक पर्टिकुलर टाइप का बना के आप आजू बाजू में, ऑब्वियसली अराउंड द आईज वी डोंट डू द लेजर्स, बट फोर हेड पे नियर द आईब्रोज वी रिड्यूस द हेयर, सो दैट उतने एरिया में यू डोंट गेट हेयर ग्रोथ। सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। बट हाँ, मतलब मशीन टू मशीन रिजल्ट वेरी करेगा, किसी का मशीन में कुछ टेक्नोलॉजी होगी, किसी की हायर टेक्नोलॉजी होगी, बट हाँ उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है हेयर रिडक्शन लेजर। एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज लेजर ट्रीटमेंट्स? नहीं, उसका कोई, देर इज नो नथिंग साइड इफेक्ट्स। यस, बट इफ यू डू अ लेजर राइट नाउ एंड यू आर गोइंग आउट विदाउट अ सनस्क्रीन एंड नॉट रैपिंग योर फेस विद अ स्कार्फ और चुन्नी, सो डेफिनेटली आपका थोड़ा चेहरा टैनिंग चालू हो जाएगा। दैट मतलब वो उसको इफेक्ट नहीं आएगा वो लेजर का। तो ऐसा साइड इफेक्ट कुछ नहीं है कि उसको हम रेगुलर में भी कर रहे हैं तो अपना बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। या बट देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, मतलब जो काइंड ऑफ अ मल्टी चेन क्लिनिक्स बोल सकते हैं या काइंड ऑफ अ पार्लर बोल सकते हैं, जहां पर ये लेजर वाली ट्रीटमेंट दी जाती है, लेजर हेयर रिमूवल वाली। एंड वहां पर जो टेक्नीशियंस होते हैं, दे आर नॉट बेसिकली द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बट दे आर द ब्यूटिशियंस हु टेक लाइक काइंड ऑफ अ कोर्स, एंड वहां से वो सीख के करना शुरू करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई ऐसे केसेस भी निकले हैं कि वहां पर किसी पेशेंट के साथ कोई साइड इफेक्ट हो गया, जैसे एक्सेस बर्न हो गया एक पर्टिकुलर लाइक सेंसिटिव जगह पर, ऐसा कुछ कोई केसेस आए हैं सामने? मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस जिसमें अभी पार्लर्स में, देखो करने वाला तो डॉक्टर नहीं है वहां पे डेफिनेटली, जो भी है दे आर ट्रेन्ड टेक्नीशियंस वी कैन से, और ब्यूटिशियंस, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एनर्जी कि इस पेशेंट का स्किन टाइप क्या है। उनको टेक्निकली सिखाया गया है कि फर्स्ट सिटिंग है तो इतना करना है, सेकेंड सिटिंग में ग्रोथ कम हो गया तो इतना करना है, बट दे डोंट नो कि सामने वाले का स्किन टाइप क्या है। तो डेफिनेटली वेदर दैट एनर्जी इज सूटेबल फॉर दैट पेशेंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। सो मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो पोस्ट, जिस केमिकल पील्स भी आजकल होता है वहां पे, तो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद पोस्ट पील इतना ज्यादा बर्न हो जाता है कि पेशेंट टेक 6 months टू रिकवर फ्रॉम दैट थिंग। तो इसके लिए कैसा है कि दिस इज बेसिकली अ क्वैकरी, सो वी नीड टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन डर्माटोलॉजिस्ट पार्ट कि काउंसिल देम, एंड देन अगेन वी हैव टू काउंसिल देम फॉर द सेम थिंग कि यू हैव टू डू द लेजर फॉर दिस थिंग। एंड उनके मन में ऐसा डर बैठ जाता है कि अरे अभी तो हमने यहाँ पे फलानी जगह इतना अच्छा किया, इतना पैसा खर्चा किया, एंड स्टिल दिस इज देयर।
सो वी नीड टू मेक देम अवेयर कि वहां पे देर इज क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो करने वाला है, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग. सो दीज केसेस आर देयर, मेनी केसेस आर देयर, लाइक पोस्ट फील बर्न, पोस्ट लेजर बर्न. तो इट टेक्स टाइम. एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न जो एवरी टीनेज एज में हर किसी को होता है, कुछ मतलब बड़े हो जाने के बाद भी कुछ लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है. सो ये जो प्रॉब्लम है, इस चीज को, एक्ने को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ये जो एक्ने का प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अभी बढ़ गया है. जब से मास्क चालू हो गया है, तो मास्क एक्ने होता है जो कि इतने पोर्शन में आता है, मास्क वाले पोर्शन में. और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक्ने, मतलब ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फेस वॉशेस आते हैं विच कंटेन सैलिसिलिक एसिड. तो कुछ फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं. जैसे डेली में अगर आपका एक्ने आ रहे हैं या आपका ऑयली स्किन है, तो ट्राई नॉट टू यूज एनी मॉइस्चराइजर्स, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर ऑयली लुक. क्लॉग्ड पोर्स, पोर्स भी बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने आते हैं. और जितना फ्रीक्वेंटली आप पानी से वॉश करोगे फेस, उतना आपका चेहरा अच्छा रहेगा. मतलब ट्वाइस डेली फेस वॉश यूज करिए, एंड डेफिनेटली अप्लाई अ सनस्क्रीन विच इज फॉर रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन, नॉट लाइक नाउडेज देर आर मेनी सनस्क्रीन्स विच ऑल द सनस्क्रीन्स कंटेन मॉइस्चराइजर्स. तो ऐसे अलग से वी डोंट नीड टू यूज एनी मॉइस्चराइजर, बट देर आर सम सनस्क्रीन्स विच आर फॉर ऑयली स्किन, कुछ मैट फिनिश होते हैं. सो रिकमेंडेशन के हिसाब से यू नीड टू यूज अकॉर्डिंगली. ओके, तो क्या ये सनस्क्रीन को जब आप इंडोर होते हो तब भी यूज करना चाहिए? हाँ, आजकल जैसे कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो ब्लू रेज का प्रोटेक्शन नहीं होता है. तो आजकल सनस्क्रीन्स आर देयर विच आर विद ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, आईआर रेडिएशन का प्रोटेक्शन, जो कि डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि 100% आपको प्रोटेक्शन है, बट टू सम अमाउंट लाइक 60-80% वो कवर करता है. क्योंकि इट इज समथिंग बेटर टू अप्लाई सनस्क्रीन रादर देन नॉट अप्लाइंग. जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, उसका सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से जो डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ गए हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसा पैची पिगमेंटेशन आता है. जैसे आजकल मोबाइल्स का यूज भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली आजकल इंडोर में भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. क्योंकि बेसिकली इट इज द यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है विच डैमेजेस योर स्किन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप नीचे धूप में ही खड़े हैं और वो तभी आपको सनस्क्रीन लगाना है. इट इज नॉट नेसेसरी. यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन डेली, एंड इट शुड बी लाइक 10-5 के बीच में. अगर आप कहीं जाते हैं तो यू नीड टू अप्लाई इट अगेन. तो इंडोर्स में भी है तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है. इवन अपना जो एलईडी लाइट है सादा, जो रूम में होता है, दैट आल्सो गिव्स यूवी रेडिएशन. सो इंडोर्स में भी सनस्क्रीन यूज करना है. A lot of people are into desi nuskas, dadi maa ke nuske. When they get all these pimple or acne, they apply all these and implement all these desi nuske, jaise ki toothpaste, lasan ka paste, aur kya kya suna hai. Matlab ye do majorly to maine bahut dekhe hai. Neem ki patti. Ya aap aur detail mein bata payenge. Oh, ye nuske nahi karne chahiye, kyunki हमें नहीं पता है कि टूथपेस्ट में क्या है, वी डोंट नो. दूसरा, नीम की पत्ती, आजकल एवरीथिंग इज लाइक सब कुछ. इवन दो वेजिटेबल्स भी जो हम खा रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर कि रियली दे आर ऑर्गेनिक, और जो भी मतलब मेडिकेशन जो भी बना हुआ है. तो ये देसी नुस्खे नहीं करना चाहिए. ये सब चीजें आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा हो गया है. और मेरे पास कुछ पेशेंट्स भी आए हैं जो टूथपेस्ट लगा के आए हैं कि मुझे पिंपल्स हुआ है और टूथपेस्ट लगाया मैडम हमने, तो पिंपल कितना बड़ा हो गया. तो इट इज बेटर नॉट टू अप्लाई दीज, बिकॉज ये मुल्तानी मिट्टी एंड ऑल भी कुछ भी उसका पता नहीं है कि वो पहले जैसा रहा है कि नहीं रहा है. तो कंटेंट्स जो उसमें डाल रहे, इवन सम आयुर्वेदिक पाउडर्स आते हैं, क्या क्या लोग घर में भी पैक्स बनाते हैं, बट इट हार्डली वर्क्स.
so it is better because these all things are acidic. नींबू, हल्दी, ये पहले होता था कि लगा दो एंटीसेप्टिक है, बट आजकल दैट इज नॉट वर्किंग एट ऑल. सो इट इज बेटर नॉट टू यूज. बट नाउ डेज द पब्लिक हैज बिकम सो अवेयर, दे डोंट यूज दीज नुस्खाज. मतलब ये बहुत कम चीजें. आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, बोल रहा था मैडम मैं आपके पास आया हूँ ट्रीटमेंट करने एक्ने की, बट मेरे जो ये पिंपल्स है ये नीम के पत्ती, तुलसी के पत्ती को मैं थोड़ा सा धो के उसको कर लेता हूँ हाथ पे, और उसका जो पेस्ट है वो मैं लगा लेता हूँ तो पिंपल के दाग चले जाते. तो है सम पीपल आर देयर हु आर डूइंग, बट इट हार्डली वर्क्स. दैट इज व्हाई ही इज कमिंग टू मी फॉर टेकिंग द ट्रीटमेंट. And there are also some people who are into self-medication, and majorly these two tubes are really, really, really famous because when I was in my hostel days, so I have seen ye kafi ghumte hue. Ek for pimples is clear gel, and for fairness, you have this called Betnavit. Betnavit, haan. What are your views on it? बेटनोवेट तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए. बेटनोवेट तो मुझे लगता है कि हर किसी के घर में बेटनोवेट रहता है, बिकॉज पहले कुछ भी हो गया बेटनोवेट लगा लो ठीक हो जाए. बेटनोवेट इज अ स्टेरॉयड. तो बेटनोवेट आपको, हालांकि सी स्टेरॉयड इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कुछ भी हो जाता है तो इमीडिएट आपको इन्फ्लेमेशन, रेडनेस जो भी है वो कम करेगा, बट इट इज टेम्पररी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन पे भी बेटनोवेट लगाते हैं तो टाइम बीइंग कम होता है, लेकिन जड़ से वो चीज नहीं जाती है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही वो नहीं है. तो ये बेटनोवेट तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहिए. हालांकि बेटनोवेट कुछ कंडीशंस में हम देते हैं, बट अभी बेटनोवेट जो है वो ओटीसी ब्रांड हो गया है. अगर हमारे पास पेशेंट आता है और वो ऑलरेडी बेटनोवेट यूज कर रहा है, and if I'm giving him Betnovet again, then what is the use of he coming to me? So, वो एक चीज़ हो गई. Clear gel जो है, it is a medicated clindamycin gel, which is used for acne, but that has also become a OTC brand. Nowadays, what is happening, कि all the medical pharmacists and everything, they are promoting everything online. तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों में कि they have started using all these products online, looking at the, जैसे कुछ बहुत से pharmacies वाले online में they give a good discount rather than taking it to the store. तो उसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन बहुत हो गया है कि गूगल में हम डालेंगे कि एक्ने का ट्रीटमेंट क्या है तो क्लिंडामाइसिन सबसे पहले आएगा. उसमें भी सबसे सस्ता ब्रांड ढूंढेगा वो. तो क्लियर जेल इज अ मेडिकेटेड ब्रांड विच इज अ बाय अ फार्मेसी विच इज अ मेडिकेटेड वाला. बट क्लियर जेल इज अ टॉपिकल क्लिंडामाइसिन विच इज अ एंटीबायोटिक क्रीम. बट अभी वो, अभी और भी अदर टॉपिकल एजेंट्स आए हैं जिसकी वजह से पिंपल्स कम होते हैं. तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि बेटनोवेट तो नहीं यूज करना चाहिए पिंपल्स के लिए. क्लियर जेल कुछ हद तक, बट अभी क्लिंडामाइसिन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है पिंपल्स में क्योंकि लोग इन एंड आउट उसको लगाते हैं. सो आई थिंक देयर आर मोर लाइक मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स जो कि उनके लाइक सोशल मीडिया पे देसी नुस्खे बताते हैं या सिंपल हैक्स बताते हैं टू लाइक क्लियर अप द एक्ने और क्लियर अप द स्कार्स, जो कि लोगों को लाइक इन्फ्लुएंस करते हैं टू यूज दैट हैक्स. So, what is your exact take on this, and what do you think ki isme dermatologist ki kya responsibility banti hai? What should they do? Social media pe they are promoting all these things. So, ye sab cheezon ke matlab iska awareness isliye badh raha hai kyunki log usko bahut zyada dekh rahe hain. Kahin to bhi unko without any guidance they are getting this. उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये यूज करने से ये कम हो जाता है, वो यूज करने से पिंपल्स कम हो जाते हैं, या फिर जो भी क्रीम यूज करने से, बट उसका एग्जैक्ट जो पैथोलॉजी है, अगर कोई पिगमेंटेशन आ रहा है या फिर पिंपल आ रहा है,
तो उसका एग्जैक्ट पैथोलॉजी पेशेंट को नहीं पता है कि मतलब ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर, और घर बैठे उनको सब कुछ चाहिए, मतलब कि दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी बट दे वांट टू लुक बेटर, दे वांट टू लुक गुड। तो इसके चक्कर में ये हो जाता है कि चलो ये यूज तो करके देख लेते हैं फिर देखते हैं, एंड ऐसे करते करते दे कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स। तो वी आई एज अ डर्माटोलॉजिस्ट वांट टू लाइक गिव यू मैसेज कि इट इज बेटर नॉट टू गो ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नॉट टू बिलीव ऑन दोज, बिकॉज कैसा है जो दिखता है वो बिकता है, आजकल मार्केट में ऐसा है। बट उसमें आपको कुछ भी सजेशन, मतलब वो लोग सिर्फ बताते हैं कि ये करने से ये होता है, बट वो आपको गाइड नहीं कर रहे कि ये करने से आपका परमानेंट ही जाएगा, या फिर आपको इसके पीछे आपके बहुत सारे कारण हैं। जैसे पिगमेंटेशन अगर आता है तो पिगमेंटेशन के कुछ रूट कॉज होते हैं, उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं, जो कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लोग नहीं बताते। ये लोग सिर्फ टॉपिकल क्रीम्स बताते हैं कि ये करने से तो वो टेम्पररी ठीक होता है, लेकिन रिबाउंड उसका आता ही है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें, जैसे मुझे कुछ ऐसे प्रमोशनल वीडियोस लोगों को डालने पड़ेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे, कि जैसे लोग पोस्ट देखते हैं तो मेरा भी देखे, उनको ये हमें एजुकेट करना है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, फार्मेसी से अपने आप कुछ भी हो गया तो दवाई नहीं मांगनी है, फार्मेसी वाला तो दे देता है, स्टेरॉइड रहता ही है उसमें इनवेरिएबली। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक्स में मैंने कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं कि आप स्टेरॉइड अपने आप यूज करोगे तो कैसा हो जाएगा, तो ऐसे कुछ एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म्स है। अपना स्टेटस या डीपी पे हम कुछ ऐसे मैसेजेस रख सकते हैं जो कि लोगों को एजुकेट करे, और इंस्टाग्राम फेसबुक तो है ही। जैसे कि आपने भी बताया कि ये कुछ चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, राइट, सो दैट अवेयरनेस बढ़े. लेकिन करंटली अगर मैं आपको पूछूं कि देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड देर इज लॉट ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर्स ऑल्सो ऑन द इंटरनेट, आप क्या क्या चीज़ें खुद से इनिशिएट करते हैं ना, आप कितना क्या सोशल मीडिया पे बिलीव करते हैं सो दैट डॉक्टर का भी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे रहना उतना जरूरी है जितना बाकी लोगों का है, एंड किस प्रकार से आप इसे यूटिलाइज कर रहे हैं? देखो फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेट, मतलब गूगल को सर्च करने से आ रहे हैं। तो जो अपना वेबसाइट है, या फिर हम जैसे आजकल डॉक्टर्स भी अपना वेबसाइट बनाने लग गए हैं, यूट्यूब चैनल्स है, तो मैं तो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दिस सोशल मीडिया वेबसाइट पे आई पर्सनली बिलीव कि आप कुछ पोस्ट डालते रहिए, कुछ अपने लेजर्स के बिफोर आफ्टर पिक्चर्स हैं पेशेंट्स के, जैसे जिसमें आइडेंटिटी ऑब्वियसली रिवील ना हो, कि आप अगर कुछ नया कर रहे हैं तो उसको पोस्ट करना जरूरी है। अगर कोई आपके कॉन्टेक्ट स्फीयर में है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो सोशल मीडिया की तो कोई स्काई इज द लिमिट, उसमें कुछ नहीं है, बस ये कि अपने को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, जो कि डॉक्टर्स खुद नहीं कर पाते, और बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल दे कैन नॉट हैंडल देयर सोशल मीडिया पर्सनली, दे हैव टू गिव इट टू समबडी टू लुक इनटू दैट। तो जैसे अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो गया, पहले तो डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करते थे, बट आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन सिंस कोविड। हालांकि उसमें आपका प्रोसीजर नहीं हो पाता है, बट एटलीस्ट पेशेंट को एक नॉलेज तो आता है कि हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो घर बैठे उसको आज वो सुविधा मिल रही है। तो व्हाई नॉट बी एक्टिव ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आई बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, बिकॉज मेरा जो ब्रांच है उसमें देखने से ही बात बनती है, बिना देखे आई कैन नॉट जज। बिकॉज आप बोले कि मेरा कितना भी अच्छा आईफोन है या एंड्रॉइड है, पिक्चर क्लैरिटी उसमें होना ही है फर्क, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है। तो देखने से ही बात बनती है, और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए। डेली आपके जो भी पोस्ट है, कुछ नया है, जो भी आपको, जैसे हम लोग कुछ नया भी ट्राई करते रहते हैं कि आज ये मिक्स एंड मैच हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट में, कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स आपको उसमें से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया।
और मेरा ये कहना रहेगा कि डॉक्टर्स ही एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। अगर मेरे पास कोई पेशेंट है एंड इफ दैट पेशेंट इज नॉट ऑफ माय स्पेशलिटी, सो आई शुड रेफर दैट पेशेंट टू द डॉक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेशलिटी। ट्राई नॉट टू ट्रीट योर सेल्फ, बिकॉज हम हर चीज नहीं कर सकते। सो मैं अगर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपने ही ब्रांच से लिमिटेड रहूंगी, और मैं मेरे ब्रांच के, हालांकि मुझे आता है, बेसिक सब आता है क्योंकि एमबीबीएस सभी को करना होता है, बट अगर मेरे पास साधारण सर्दी खांसी का भी पेशेंट आता है तो आई रेफर दैट पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट। कि आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट वेन आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग द पोस्ट ऑन, जब भी टाइम मिलता है कुछ तो छोटा सा फ्लायर बना लिया या कुछ भी रील बना लिया, तो यू कीप ऑन पोस्टिंग। जितना विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है, अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो शायद हमें याद नहीं रहती है, बट हम इतना बड़ा अगर एक बार आके वो फोटो भी देख लेता है बंदा, तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन। विजुअल इम्पैक्ट तो विजुअल ही, इतने सारे पोस्ट देखते हैं हम इंस्टाग्राम पे, बट याद रहता है एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ ये देखा था। What is a major big challenge which right now you feel ki majorly sare dermatologists, cosmetologists are facing in this current situation? द बिगेस्ट चैलेंज इज क्वैकरी। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स ऑफ एनी डॉक्टर्स, बट देर आर डॉक्टर्स विच आर होम्योपैथी करके दे आर प्रैक्टिसिंग डर्माटोलॉजी, आयुर्वेदिक करके दे आर प्रैक्टिसिंग डर्माटोलॉजी। इट इज नॉट ईजी टू प्रैक्टिस एनी ब्रांच, मतलब अनलेस एंडल यू आर क्वालिफाइड इन दैट। तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं गाँव में हैं, जो क्वैकरी है, जो कि एमबीबीएस भी नहीं है, तो वो लोगों को बस ये पता है कि स्टेरॉइड देने से बंदा ठीक हो जाता है, बट उसको कितने टाइम के लिए देना है स्टेरॉइड, वो जो पेशेंट आया है उसको या तो सही में स्टेरॉइड की जरूरत है क्या, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे हम लोग लाइक वी ऑल द टीम ऑफ लाइक विदर्भ डर्माटोलॉजिकल सोसाइटी, वी आर फाइटिंग फॉर दिस थिंग कि ये जो डॉक्टर्स को ट्रेन करने वाले भी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, इनको ट्रेन करने वाले, तो वो भी हमें स्टॉप करना है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मैडम मैं आपके साथ ओपीडी में बैठ जाती हूँ, यू डोंट पे मी एनीथिंग, बट आई जस्ट वॉन्ट टू ऑब्जर्व दैट वॉट यू डू। इवन इफ दैट पर्सन इज सिटिंग विथ मी फॉर 6 months, तो उसको उतना तो आइडिया आ जाता है कि ये डिजीज में ये क्या लिखती है और ये क्या करती है। बट इफ ही इज ऑफ नॉट माई ब्रांच, इट इज नॉट माई जॉब टू टीच हिम, सो आई डिनाई एनी ऑफ, लेट इट बी अ एमबीबीएस डॉक्टर और अ डर्माटोलॉजिस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आज आपने इतना सीखा है, उसके पीछे कुछ मेहनत है, उसके पीछे आज हमने इतना टाइम वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है एमबीबीएस को 5 साल, उसके बाद पीजी को 3 साल, 10 साल एक डॉक्टर के जाते हैं इसके बीच में, और कोई बंदा अगर 6 महीने में ये चीज कर रहा है तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट आना ही है कुछ ना कुछ। तो क्वैकरी इज वेरी, आजकल आप देखेंगे कि क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट ही नागपुर में 200 के ऊपर है, और इसके अलावा 200-400 जो क्वालिफाइड नहीं है वो है। तो ये सबसे टफ है जो आता है कि पेशेंट को आने के बाद हमारे पास में कुछ भी नहीं बचता है देने के लिए अलग से, तो वी हैव टू गो इन फॉर सम न्यूअर ड्रग्स, एंड दीज ड्रग्स आर कॉस्टली ऑल्सो, डेफिनेटली इसमें हायर जाता है कॉस्ट। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑफ क्वैकरी। तो मुझे तो यही मैसेज स्प्रेड करना है बेसिकली कि आप जब भी जाएंगे तो पेशेंट डॉक्टर की डिग्री देखिए, जिसके पास डिग्री है ना, दैट डॉक्टर विल ऑलवेज राइट द डिग्री ऑन द बोर्ड, बट जिसके पास नहीं है डिग्री, एमबीबीएस भी नहीं है, एमडी डर्मा नहीं है, या डिप्लोमा डिप्लोमा नहीं है, वो डॉक्टर विल नेवर राइट द डिग्री ऑन द बोर्ड, ही विल राइट ट्राइकोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट। So, ma'am, how do you feel to be on a Bro Medico podcast? यस आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें आने की, एंड डेफिनेटली आई विल कनेक्ट यू इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू टू मेनी डॉक्टर्स, एंड यू आर डूइंग दिस जॉब इज रियली गुड, एंड रियली वी नीड टू ग्रो दिस मेडिकल फील्ड। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए और
यू गो टू पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट. आजकल हर चीज का स्पेशलिटी आ गया है. पहले तो जनरल डॉक्टर ही स्किन की ट्रीटमेंट देता था, बट अभी वैसा नहीं रहा है. आपको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो गया तो यू विल गो टू अ ईएनटी सर्जन. इफ यू हैव एनी एलर्जी प्रॉब्लम यू विल गो टू अ ईएनटी सर्जन. और जनरल डॉक्टर्स को आजकल थोड़ा मतलब बेसिक तो वो करते ही है, बट हर चीज का आजकल चेस्ट फिजिशियन हो गए हैं. दे ऑल्सो लाइक कुछ चेस्ट के डिजीजेस है तो चेस्ट फिजिशियन अलग से हो गए. तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू ग्रो बिकॉज अपने इंडिया में वी नीड दिस अवेयरनेस. तो वी यू कैन रीच टू मेनी डॉक्टर्स एंड ऐसे करने से ही वर्ड ऑफ माउथ से ही ये स्प्रेड होगा. और सोशल मीडिया ये जो हम कर रहे हैं पॉडकास्टिंग, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि घर बैठे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूट्यूब पे आपको पता चल रहा है. तो इट इज रियली गुड.